नमस्कार, मैं हूं मोनिका राठौर और आप देख रहे हैं वर्जन। मध्य प्रदेश में निजी स्कूल संचालक और सरकार आमने सामने, जब बता दें कि एक बार फिर निजी स्कूल संचालकों ने अब सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सिर्फ ट्यूशन फीस लिए और ट्यूशन फीस न बढ़ाने के आदेश के विरोध में निजी स्कूल संचालक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। ऐसा बताया जा रहा है कि प्रदेश के सभी निजी स्कूल सोमवार से ऑनलाइन क्लासेस अनिश्चितकालीन के लिए बंद है। सरकार के आदेश के विरोध में सीबीएसई और एमपी बोर्ड में संबंध सभी निजी स्कूल लामबंद हो गए। भोपाल जिले के 125 सीबीएसई सहित 2800 प्रदेश के करीब 25,000 निजी स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस संचालित न करने का फैसला किया। एसोसिएशन ऑफ एन एडिड प्राइवेट स्कूल्स के उपाध्यक्ष विनी राज मोदी का कहना है कि बीते 1.5 साल से स्कूल बंद है। स्कूलों की माली हालत बेहद खराब है। सरकार स्कूलों की माली हालत सुधारने आर्थिक पैकेज की घोषणा करे तथा आर्थिक पैकेज की घोषणा न होने तक ऑनलाइन क्लासेस अनिश्चितकालीन तक बंद रहेगी। जी हाँ, बता दें आपको कि प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष अजय सिंह का कहना है कि बीते 1.5 साल से स्कूल बंद है। सरकार से हमारी 5 सूत्री मांगे हैं। अगर उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार से सभी तरह के टैक्स माफ करने की मांग की, इन तमाम मांगों के पूरी न होने पर एमपी बोर्ड से संबंध सभी निजी स्कूल आज से ऑनलाइन क्लासेस बंद कर रहे हैं। सभी शासकीय कार्यों का बहिष्कार कर जिलों में मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर और एसडीएम को ज्ञापन सौंपेंगे। सभी जिलों में स्कूल शिक्षा विभाग को स्कूलों को बंद कर चाबियां सौंपेंगे। जब वो बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के स्कूलों को फीस नहीं बढ़ाने के निर्देश दिए, निजी स्कूल सिर्फ ट्यूशन फीस ही ले सकेंगे और आगामी आदेश तक फीस नहीं बढ़ा सकेंगे। प्रदेश के गैर अनुदान प्राप्त निजी स्कूलों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को ट्यूशन फीस के अलावा कोई अन्य फीस नहीं देनी होगी। यह आदेश सभी सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड स्कूल और निजी स्कूलों में लागू होगा। ट्यूशन फीस के अलावा दूसरे मदों से फीस वसूलने वाले निजी स्कूलों पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसी तमाम जानकारी अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए। वॉइस ऑफ इंडिया। जय जय भारत।